भारतीय सेना के पास अब ऐसे हेलमेट होंगे जो दुश्मन की गोली को झेल जाए, गॉगल होगा और इन दोनों में नाइट विजन भी होगा जिससे दुश्मनों पर दूर से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट और कई सारे सिस्टम होंगे। जवानों के पास अब जो राइफल होगी वो AK-47 ज्यादा मारक और एडवांस होगी। कुछ चीजें आपको देखने में भारी लग सकती हैं, लेकिन लाइट वेट और मजबूत है। इन आधुनिक हथियारों के आ जाने से भारतीय सेना किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं दुनिया की बात, जिसमें इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे भारत अब रक्षा क्षेत्र में अग्रणी होता जा रहा है। भारत को अपने दुश्मनों से बचाव रखने के लिए रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है और इसके लिए काफी काम हो रहा है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 16 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने F-INSAS AK-203 राइफल, एंटी पर्सनल माइन, बोट और ड्रोन समेत कई स्वदेशी हथियार भारतीय सेना को सौंपे। इनमें F-INSAS और AK-203 राइफल की काफी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं हाईटेक सिस्टम F-INSAS के बारे में। F-INSAS का पूरा नाम है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत सैनिकों को हाईटेक और हल्के वजन वाले सिस्टम से लैस किया जाता है। ये हर मौसम में काम कर सकते हैं। इनमें सैनिक को बैलिस्टिक हेलमेट और बैलिस्टिक गॉगल से लैस किया जाएगा। हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस भी लगाई गई है और इसकी मदद से सैनिक कम रोशनी में भी लक्ष्य को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट भी सिस्टम के तहत सेना को दिया जाएगा। हेलमेट और जैकेट की खासियत है कि AK-47 की 9mm तक की गोली लगने के बाद भी सैनिकों का बाल बाका नहीं होगा। जैकेट में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होगा जिसकी मदद से सैनिक आपस में बात करके बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब बात आती है AK-203 असॉल्ट राइफल की। इसे बनाने के लिए भारत ने रूस के साथ करीब 500 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसके तहत भारत में अमेठी में 7 लाख से ज्यादा राइफल बनाई जाती है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि AK सीरीज की ये पहली बंदूक है जिसे भारत में बनाया जा रहा है। AK-203 दुनिया की सबसे आधुनिक खतरनाक राइफल मानी जाती है। AK-47 का आधुनिक रूप है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तरफ मजबूती से बढ़ता हुआ कदम। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक हथियारों से लेकर लड़ाकू विमान खुद बना रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में धमक दिखाई पड़ रही है। AK-203 की कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। दरअसल ये हल्की और लंबाई में कम होने के साथ बेहद खतरनाक है। प्रति सेकेंड 10 यानी 1 मिनट में 600 गोलियां मार सकती है। राइफल के ऊपर होलोग्राफिक लेंस होगा जिसकी रेंज 200 मीटर की होगी। ये राइफल आधुनिक होने के साथ साथ वजन में काफी हल्की है। बिना मैगजीन लगाए इसका वजन सिर्फ 3.8 किलोग्राम है। राइफल की लंबाई 705 mm है। मैगजीन में 30 गोलियां आएंगी और हर गोली का साइज है 7.62x39mm। राइफल की इफेक्टिव रेंज 300 मीटर है। इस राइफल के दायरे में आने वाले दुश्मन को सावधान रहना होगा, वरना उसका नामो निशान नहीं बचेगा। दुनिया की बात तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।